साथियों नमस्कार, वेलकम टू गौरव कुमार टुंडक यूट्यूब चैनल। भाइयों, आज जो वीडियो है वो एक एंटिक ट्रैक्टर की है। सामने आपको ट्रैक्टर दिखाई दे रहा होगा, फोर्ड 3600। और भाइयों, ये ट्रैक्टर 81 मॉडल है और इसका मैं आपको सबूत दूंगा कि 81 मॉडल कैसे है। तो अभी सबसे पहले मैं आपको ट्रैक्टर का थोड़ा सा ट्रैक्टर को दिखा दूं, उसके बाद जो ट्रैक्टर के ओनर हैं उनसे बात करेंगे, वो इसके बारे में बताएंगे कि मतलब इतना लंबा सफ़र उन्होंने इसके साथ तय करा वो कैसे करा, कैसा उनका अनुभव रहा। और देखो भाई ने इस पर म्यूजिक सिस्टम भी लगा रखा ऊपर, वो तो खैर आजकल सब लगवाए रखे हैं, पर लेकिन फोर्ड ही है। फोर्ड का फर्राटा सब जो है सबको पता है कि फोर्ड ट्रैक्टर क्या चीज़ है। अपने टाइम में जो है एस्कोर्ट और फोर्ड ये दो ही ट्रैक्टर रहे जिन्होंने मार्केट में अपने पैर जमाए, और फोर्ड की तो कहने ही क्या। और ये देखो फोर्ड की जो पहचान है, आगे को झुका हुआ जो आगे से इसका माथा। तो फिलहाल मैं आपको दिखा दूँ एक बार ट्रैक्टर। देखो जी, फोर्ड 3600, इसके ऊपर इन्होंने फिल्म लगवा रखी है और इन लाइन पम्प के साथ में 3 सिलेंडर ट्रैक्टर, मतलब ओरिजिनल है ट्रैक्टर सारा। ट्रैक्टर में ओरिजिनलिटी होगी भाई सारी। भाई ये पंप बदल रहा बस इसका। अच्छा, ये पंप चेंज है। पंप इसमें रूटर है, था पहले रूटर पंप था इसमें। हाँ, आप ट्रैक्टर रूटर पंप बदलवा था हमने। अच्छा, इसमें फिर इनलाइन करवाया था। चलो ठीक है, बाकी आप एक बार ट्रैक्टर को देख लो, साफ सुथरा है बिल्कुल, फर्स्ट क्लास। और देखने में भी मतलब बिल्कुल एकदम खुला सा, ताम झाम बहुत कम। और कुछ तो लिखवा भी रखा फोर्ड, इसका बैटरी बॉक्स इधर है। अच्छा, बैटरी आपने इधर लगवा रखी है, यहाँ तो होती नहीं होगी इसकी पहले। इसकी बैटरी साइड में थी, इसकी बैटरी अंदर थी, ये रही जगह। सही बात है, यहाँ करवा रहा है, हीट पकड़ दे ट्रैक्टर। चलो मैं आपको एक बार इसे सारा दिखा दूँ। देखो कितना साफ सुथरा, उस टाइम का ट्रैक्टर आज तक भी जो है कितना बढ़िया है, और ओरिजिनलिटी है काफ़ी ट्रैक्टर में। जब से देखो इसके ब्रेक ड्रम वगैरह कितने बढ़िया है, और ये इसका जो है कोपलिंग लगाने का है, और ये इसकी पीटीओ है, 540 आरपीएम की पीटीओ है, मोटे ग्रुप की। देखो मेरी इसका हिच बना हुआ है, वही हिच है, शायद वेल्ड वगैरह करवा के उन्होंने वो करवा रखा थोड़ा सा, लेकिन है उसी टाइप का। और बाकी देखो, ये जब चीज़ पुरानी हो जाती है कुछ ना कुछ कमी तो आती है, लेकिन फिर भी साफ़ सुथरा ट्रैक्टर है, काफ़ी बढ़िया उससे रखा हुआ। ये इसका हाइड्रोलिक पीसी और डीसी लीवर, और बाकी मड़गार्ड वगैरह सब चीज़ फिट है। अच्छा, ये ओरिजिनल है। ये भाई बता रहे ओरिजिनल, जो सीट जो है जो जिस तरह से पहले आती थी, बाकी जो है ट्रैक्टर। चलो मतलब ये लाइट वगैरह सब चीज़ साथ की है, एयर वगैरह सब साथ का ही है। भाई वाह, मतलब 1981 मॉडल। और मैं आपको दिखा दूँ, देखो पंप बदल रहा। अच्छा, ये पंप चेंज है बस इसका, फार्म ट्रैक का गिरवा था इसमें रूटर के लिए। अच्छा, रूटर पूटर खड़ा पड़ा है वो। अच्छा, रोटावेटर चला ले हो। सात फुटे रोटर। देखो मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, मतलब आप ये देखो इस पे ये चीज़ खुदी हुई है, 15/10/81, 15 तारीख 10वां महीना और 1981 मॉडल ये लिखा हुआ है ट्रैक्टर के ऊपर। ये इसकी ये पहचान है कि ये 1981 मॉडल है, एंटिक ट्रैक्टर है, बढ़िया। मतलब आप इस देख लो कितने साल हो गए ट्रैक्टर को, 20 साल वे, 20 ये, 40 और 3, लगभग जो है 41 साल पुराना ट्रैक्टर ये है। आप ये देखो, और आज भी बदस्तूर ज़िंदा है, इसके पायदान वगैरह सब चीज़, हालांकि थोड़ा सा पुराना होने की वजह से थोड़ा बहुत मीटर वगैरह सब कुछ वही है। अच्छा, यहाँ स्वराज का है तो लिख रहा। ये सब ओरिजिनल है। देखो जी, चालू है, पिछले वाला चालू नहीं है और सारे चालू। ये भी अच्छा, ये बीच वाला चालू नहीं है, ये चालू नहीं है, ये दोनों चालू। चलो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और ट्रैक्टर देखो आप, देखने में कितना बढ़िया। और फोर्ड है ये, भाई से बात करेंगे जरा इसके बारे में, इसके साथ सफ़र कैसा रहा भाई का, और भाई ने कुछ बात ऐसी बताई, अभी हम उनसे बात करेंगे। एक बार आपको ट्रैक्टर को पूरा दिखा दूँ। आप ये देखो, इसका जो गियर सिस्टम है, पहला, दूसरा, तीसरा यहाँ, फिर रिवर्स, और ये चौथा, चार गियर के साथ में ट्रैक्टर, हाई और लो, बहुत बढ़िया। और ये इसकी जो है हाइड्रोलिक का लीवर हो गया ट्रैक्टर का,
मतलब देखने में जो है ट्रैक्टर काफ़ी DCM, देखो लिखा हुआ है इस पर DCM, ये लिख रहा बहुत ही बढ़िया। और मतलब रिम वगैरह इसकी सारी चीज़, हालांकि ये तो टायर वगैरह जब इतने साल हो जाए पुराने, चलते चलते इन्होंने बदलवा रखे, ये से रिपेयर करवाने लाए थे मशीन क्यों, तो मैंने यहाँ देखा तो मैं चलो बात करें भाई से। भाई एक मिनट इधर आ जाओ यहाँ भाई, पहले तो अपना परिचय दे दो आप। भाई नाम सचिन, गांव सरोपुर, जिला मेरठ, तहसील सरदार। तो ये फोर्ड ट्रैक्टर आप ही का है? हाँ। तो मतलब कितने बीघे जमीन कवर कर रहे हैं आप इससे? भाई तो फिलहाल में जो है 20-22 बीघे धरती कवर कर। अब और पहले? पहले जो है 40-40 बीघे धरती कवर कर। तो आप कितने साल से चला रहे हैं इसे, मतलब अभी तो आप जैसे ये तो 40-41 साल पुराना ट्रैक्टर है। हाँ। तो आप कितने साल से चला रहे हैं इसे? भाई सहूली में जाए 30-34 साल है। आप जो जब तक आप चला रहे हैं? हाँ। मतलब है तो आप ही के घर में? हाँ। या आपने खरीदा सेकंड हैंड? नहीं खरीदा था। सेकंड हैंड? हाँ। अच्छा सेकंड हैंड खरीदा था आपने। ये कहाँ से लाए थे रे साहब? ये लिया था भाई, ये है बिटावदा से लिया था। अच्छा तो मतलब आपने ये फोर्ड लिया, इतना पुराना क्यों लिया, क्या कारण रहा? नया भी तो ले सकते दूसरी कंपनियों का, इन्हें तो आजकल कोई ज्यादा वो नहीं करता। जैसे बात यहाँ थी कि जैसा ट्रैक्टर है, हाँ, इस ट्रैक्टर को मेरा मन था लेने। अच्छा, इसमें ऐसी क्या मान लो क्या खूबी देखी आपने जो इसे लिया आपने? भाई इस पे बैठ के जी लगे। हाँ, नवा ट्रैक्टर पे बैठ के देख लिया। अच्छा, देख लिया, इस पे बैठ के मन लगे। इसे चलाने का मतलब आपने रोटावेटर चलाया आपने? इससे रोटर भी चला लिया 10 फुट। बढ़िया, 7 फुट। कैसा चलाया रोटर? ठीक चला, चक्कर मिलने का ऊपर बात है, चक्कर मिल जाओ पीछे। कौन सी कंपनी का? शक्तिमान का। और टीलर कैसे चला हुआ है? टीलर साथ का है, हंस वालों का टीलर है पुराना। अच्छा, मजा बन रहा वो टीलर बहुत किसी ट्रैक्टर पर खींचे। और तेल का खर्चा? तेल का खर्चा भाई अपने ऊपर, जैसा लोड गिर रहा ऐसा तेल। ऐसा बताओ, फोर्ड तो बहुत तेल खावे? नहीं ऐसा कुछ। अच्छा, ये तो लोगों का बहम है। चलो बहुत बढ़िया। जैसे बताया स्पैंडल वगैरह तोड़ दे आपने, चलाया तोड़े स्पैंडल? मतलब हमारे पास कोई दिक्कत नहीं बनी, मतलब देख स्पैंडल तक कोई दिक्कत नहीं बनी। अच्छा, कोई भी दिक्कत नहीं है सर। अच्छा, तो मतलब चलाने के ऊपर बात है? चलाने के ऊपर बात है, ड्राइवर बदतमीज ना हो। अच्छा। बदतमीज ड्राइवर होगा तो नुकसान कर देगा। अच्छा, जो सही ड्राइवर होगा देख के चलाऊंगा, शांतिपूर्वक आदमी चाहिए सर इसमें। हाँ, ठंडा आदमी बिल्कुल, जो दिमाग पूरा संतुलन बना। और नहीं तो यो फिर कहता था उनको भाई लिया दूसरा तोड़ के। अजी हाँ, अच्छा जी, बहुत हिसाब से। तो आपने मशीन पे भी चला आयो? भाई मशीन पे चला आयो भी चला, हम तो अपना खेती का काम करते। तो कैसा चला मशीन पे? मशीन पे बढ़िया चल रहा, कोई दिक्कत नहीं, घंटे में 5 लीटर का इसका एवरेज आ रहा। अच्छा, और हाँ घंटे 5 लीटर का एवरेज। और रोटर पे? रूटर पे भाई ना पानी, रूटर जो है हमने वही 100 के अंदर चला था। और टीलर पे? टीलर पे वही 4-4.5 एक घंटे में कितना निकाल दे? एक दिन 22 मिनट में टीम देख के हमने 22 मिनट में 4 बीघे खेत एक कवर काट देता। इस तरह 4 बीघे टीम देख के पूरा। तो मतलब कुल मिलाकर ट्रैक्टर जो है, ट्रैक्टर में दिक्कत नहीं, यो चले ज्यादातर जत्रे पे इस ट्रैक्टर पे, जत्रे पे कोई मन रहा नहीं पड़ा इसका। अब सिलो पर भी नीचे को माटी काट दूंगा, कैंडा डाल दिया। फोर्ड का तो नाम रहा जी, खैर ऐसी बात ना, फोर्ड ट्रैक्टर तो अपने शौक के लिए लाए थे। अरे शौक से ही काम हुआ जो अपने कहा, शौक में लिए हैं अपने से। अरे बहुत बढ़िया, शौक के लिए लाए, बहुत ही बढ़िया भाई। ये ट्रैक्टर को मैंने आपको देखो दिखाया पूरा, काफी ओरिजिनल ट्रैक्टर है, हर चीज इसमें ओरिजिनल है। देखो जब चीज इतनी पुरानी हो जाए थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ इसका बदला ही जा, बाकी स्पैंडल वगैरह। और देखो ये भी इसके कहीं से टूटे हुए नहीं है, कहीं वेल्ड वोल्ड उसमें देखो एक दो जगह इधर है, बाकी ये सारी चीज इसकी आर्म वगैरह बिल्कुल ठीक है। ये इसके स्पैंडल वगैरह है, सारी चीज़ बिल्कुल फ्रेश है। बताया भाई ने जैसे अगर बदतमीजी से चलाओगे तो ट्रैक्टर उससे ज़्यादा बदतमीजी दिखाओगा, और अगर शांति से चलाओगे तो ट्रैक्टर जो है बहुत ही बढ़िया चलाएगा। मतलब इसकी हर चीज़ जो है ओरिजिनलिटी के साथ है, गियर बॉक्स वगैरह सारी चीज़ देखो वही है, इस पर DCM लिखा हुआ है। ये इसका हैंड ब्रेक है, और ये इसका जो है डिफरेंशियल लॉक दिया हुआ है। तो भाई वीडियो आपको कैसी लगी, फोर्ड लवर जो है कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भाई अभी आपको फोर्ड की आवाज़ और सुनवाओगे। अच्छी चीता।
थोड़ा सा एक्सेलेट करके दिखाओ। बजी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। नमस्कार, धन्यवाद, राम राम।